शॉटगन के नाम से मशहूर बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा 34 साल की हो गई हैं। सोनाक्षी का जन्म 2 जून 1987 को मुंबई में हुआ था। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि वह फिल्मों में काम करेंगी। उन्होंने SNDT यूनिवर्सिटी में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया, लेकिन सलमान खान की वजह से उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा। साल 2010 में आई दबंग फिल्म उन्होंने बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। हालांकि कुछ फिल्में इनकी फ्लॉप भी रही। अगर सोनाक्षी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनका नाम काफी समय से बंटी सचदेव से जोड़ा जा रहा है, लेकिन अभी तक दोनों ने शादी नहीं की। इसके पीछे की वजह सोनाक्षी ने बताई थी। साल 2017 के दौरान मीडिया में यह खबरें आई थी कि शत्रुघ्न सिन्हा के घर जल्द ही शहनाई बज सकती है, क्योंकि बेटी सोनाक्षी सिन्हा और बंटी सचदेव सगाई करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। सोनाक्षी सिंह के कथित बॉयफ्रेंड बंटी सचदेव का अभिनेता सलमान खान के साथ कनेक्शन है। दरअसल बंटी सचदेव सलमान खान के भाई सोहेल खान के साले हैं। सोहेल की पत्नी सीमा खान के सगे भाई हैं बंटी सचदेव। आपको बता दें कि बंटी PR एजेंसी कॉर्नरस्टोन के मालिक हैं। सोनाक्षी और बंटी को एक साथ कई पार्टी में देखा जा चुका है। एक इंटरव्यू के दौरान सोनाक्षी सिन्हा ने बताया कि बंटी सेल्फ मेड मैन है और वह भी अपने बैचलरहुड को एंजॉय करना चाहते हैं। यह भी वजह हो सकती है कि अभी तक सोनाक्षी और बंटी शादी के बंधन में नहीं बंध पाए हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने 2005 में आई फिल्म मेरा दिल दे कर देखो के जरिए बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि 2010 में उन्होंने फिल्म दबंग के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने सन ऑफ सरदार, दबंग 2, राउडी राठौर, वंस अपॉन अ टाइम मुंबई दोबारा, बुलेट राजा, लुटेरा, आर राजकुमार, हॉलीडे सोल्जर्स इज नेवर ऑफ ड्यूटी, एक्शन जैक्सन, तेवर, अकीरा और मिशन मंगल जैसी कई फिल्मों में काम किया। शुरुआत की उनकी 3-4 फिल्में 100 करोड़ की रही। कम ही समय में सोनाक्षी ने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बना ली। उन्होंने सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, सैफ अली खान जैसे बड़े स्टार के साथ स्क्रीन शेयर किया है। इसके अलावा सोनाक्षी सिन्हा जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रख रही हैं। प्रोजेक्ट बुलबुल तरंग की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा सोनाक्षी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में भी अजय देवगन के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं।